Hello everyone in this video lecture of microprocessor 8085. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरप्ट ऑफ 8085 तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंटरप्ट हाउ मेनी इंटरप्ट आर देयर इन 8085 एंड व्हाट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड विच टाइप ऑफ इंटरप्ट आर देयर ठीक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द डिफिनीशन हमें समझना होगा कि इंटरप्ट का मीनिंग क्या है ठीक है सपोज मैं अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और मीन मेरे फ़ोन कॉल आती है तो दैट इज इंटरप्शन फॉर माई लेक्चर क्लियर कि वो हमारे लेक्चर को इंटरप्ट करेगी ठीक अगर सपोज मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूं तो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन बट अगर कॉल आती है तो रिकॉर्डिंग क्या होती है स्टॉप हो जाती है मीन्स की हमारा प्रोग्राम कहाँ ट्रांसफर हो गया कॉल पे तो ये जो ट्रांसफर हुआ प्रोग्राम प्रीवियस प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट क्लियर है तो यही चीज हमें समझनी है तो इन केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है कि ये प्रोसेसर को कि का कंट्रोल जो होता है उसे दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर देता है मेन प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर ठीक है तो हमारा दूसरा प्रोग्राम रन होता है देन जब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम हम वापस अपने मेन प्रोग्राम पर आते हैं ठीक है तो दिस इज द इंटरप्ट नाउ अब ये जो इंटरप्ट होता है वो कैसे अक्कर होता है तो इंटरप्ट इज़ अ बेसिकली सिग्नल विच इज जनरेटेड बाय एक्सटर्नल पेरीफेरल डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस भी हो सकते हैं सम टाइम्स हम सॉफ्टवेयर मींस कि प्रोग्राम में भी इंटरप्ट लिखते हैं तो ये हमारे इंटरप्ट होते हैं नाउ जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन और मैंने ये भी आपसे कहा कि अगर कोई इंटरप्ट आता है तो प्रोसेसर का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है करेंट प्रोग्राम से अनदर प्रोग्राम पे तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इंटरप्ट सर्विस रूटीन सपोज हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है दिस इज़ मेन प्रोग्राम ठीक है मेन प्रोग्राम की कुछ लाइन्स एग्जीक्यूट हुई एट दिस पॉइंट यहाँ पर इंटरप्ट आकर हुआ ठीक है दिस इज़ इंटरप्ट इंटरप्ट आकर होते ही मेन प्रोग्राम प्रोसेसर क्या करेगा अपने कंट्रोल को शिफ्ट करेगा एट अनदर प्रोग्राम या अनदर लोकेशन जो होगी इंटरप्ट वाली ठीक है वहाँ पर जाके उस मेन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोसेसर रिटर्न होगा इन मेन प्रोग्राम एंड मेन प्रोग्राम की जो रिमेनिंग लाइंस थी उसको एग्जीक्यूट करेगा ठीक है तो दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन ठीक है क्लियर हो गया नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरप्ट फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ठीक है case of 8085 there are few pins interrupt pins are available by using these pins hardware devices interrupt the processor okay? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स मैंने दोनों की डिफिनेशन लिख दी आप भी इसको राइट डाउन कर लेंगे तो पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि इन केस ऑफ 8085 कुछ पिनस अवेलेबल्स होती हैं दीज पिन आर आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव ट्रैप एंड आई एन टी आर दीज आर द इंटरप्ट पिन विच आर एवेलेबल इन एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर तो ये पिन हमारी एवेलेबल होती हैं ऑन आई सी तो थ्रू दीज पिन अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस वॉन्ट टू इंटरप्ट द प्रोसेसर तो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट क्लियर है तो ये जो प्रोसेस हुआ और ये इंटरप्ट हुए ये क्या होंगे हार्डवेयर इंटरप्ट न और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होंगे जब कोई भी प्रोग्रामर किसी इंस्ट्रक्शन को लिखता है इन जो मेन प्रोग्राम था उसमें इंटरप्शन होती है या कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट प्लेस पे तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स मींस की द कॉज ऑफ़ इंटरप्ट इज़ एन एग्जीक्यूशन ऑफ़ द इंस्ट्रक्शन तो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं आर एस टी एन क्लियर ये हमारे प्रोग्राम के बीच में यूज़ होते हैं जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा एट अ फिक्स लोकेशन वहाँ पे जाके सब रूटीन को एग्जीक्यूट करें आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सब रूटीन प्रोग्राम प्रोसेसर रिटर्न होगा इन मेन प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट करेगा अपने मेन प्रोग्राम को क्लियर है तो दीज आर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटर नाउ फर्स्ट हमारा हार्डवेयर ट्रैप देन आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव देन आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव देन आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव लास्ट इज आई एन टी आर दीज आर द हार्डवेयर इंटरफ्ट जो हमारी आईसी पर अवेलेबल होते हैं ठीक नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप दैट इज वैक्टर एंड नॉन वैक्टर नॉन वैक्टर ठीक है तो मैं आपको डिफिनेशन लिख भी देती हूँ और बता देती हूँ वैक्टर का मीन्स है वैक्टो इंटरप्ट मीन्स जैसे ही इंटरप्ट अकर हुआ प्रोसेसर को एड्रेस पता चल गया कि किस लोकेशन के डेटा को एग्जीक्यूट करना है तो दैट इज कॉल्ड वैक्टर्ड इंटरप्ट जब आपका इंटरप्ट अकर हुआ बट प्रोसेसर को नहीं पता कि उसे कहाँ जम करना है तो दैट आर कॉल्ड नॉन वैक्टर ठीक नाउ इन दिस केस ट्रैप इज़ वेक्टर तो एस लिखेंगे आर एस टी सेवन फाइव इज वैक्टर्ड तो एस लिखेंगे आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव इज वैक्टर्ड तो दिस इज एस

एड्रेस ठीक है चलो अब हम एड्रेस कैसे कैलकुलेट करने हैं मैं एक आपको कैलकुलेट करना बताती हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव लेते हैं ठीक है यहाँ पे जो एन है स्मॉल एन उसकी वैल्यू क्या है सेवन पॉइंट फाइव नाव एन इंटू एट ठीक है एन इंटू एट एन इंटू एट इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव इंटू एट मल्टीप्लाई क्या किया तो क्या आएगा एट फाइव जब फोर्टी की जीरो पावर आई फोर एट सेवन ज फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस फोर इज़ सिक्सटी ठीक है तो ये जो वैल्यू हमें मिली ये हमें मिली डेसिमल में हमें जो एड्रेस चाहिए वो हेक्स में चाहिए तो सिक्सटी को अगर हम हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा सिक्सटी डिवाइडेड बाई सिक्सटीन सिक्सटीन तो सिक्सटीन टू जिक्सटीन थ्री जा फोटी एट तो यहाँ पर क्या आएगा थ्री और रिमाइंडर क्या होगा ट्वेल्व ट्वेल्व को हम क्या लिखेंगे सी तो ठीक है सिक्सटी जो हमारा डेसिमल में था उसकी हेक्स में वैल्यू क्या हो गई थ्री सी ठीक है क्लियर है नाउ व्हाट इज़ द एड्रेस जो आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव होगा उसका एड्रेस होगा ज़ीरो ज़ीरो थ्री सी दिस इज़ पेज नंबर एंड दिस इज़ द एड्रेस स्पेसिफिक लाइन जीरो जीरो थ्री सी पर प्रोग्राम हमारा जंप करेगा अगर हमारा आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव जम्प किया ठीक फॉर ट्रैप हम ये जो वैल्यू लेते हैं ट्रैप के लिए यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं फोर और उस केस में अगर हमने मल्टीप्लाई किया एट फाइव जा फोर्टी जीरो पावर आई फोर एट फोर जा थर्टी टू टी टू प्लस फोर क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स नाउ अगर हम थर्टी सिक्स को कन्वर्ट करते हैं हेक्सा डेसीमल में यहाँ पे पॉइंट है हेक्सा डेसीमल में तो यहाँ क्या Quotient आएगा क्वेश्चन आएगा टू और रिमाइंडर क्या होगा फोर ठीक है मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर एड्रेस क्या हो जाएगा फॉर थर्टी सिक्स वैल्यू हो जाएगी टू फोर और एड्रेस क्या हो जाएगा जीरो जीरो टू फोर क्लियर है जब नेक्स्ट एड्रेस कैलकुलेट करेंगे आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना मैं सबकी वैल्यूज लिख देती हूँ जीरो जीरो थ्री फोर जीरो जीरो टू सी तो आइदर यू कैन लर्न और बाई और बाई यूजिंग दिस मैथड यू कैन कैलकुलेट ठीक है बट आई एन टी आर का हम एड्रेस नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज दिस इज नॉन वैक्टर ठीक है हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इज मास्केबल एंड नॉन मास्केबल नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ मास्केबल एंड नॉन मास्केबल मास्केबल का मीन्स जिसे हम रीसेट कर सकते हैं डिसेबल कर सकते हैं ठीक नाउ अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो मास्केबल का मीन्स विच इंटरप्ट इंटरप्ट कैन बी इनेबल और डिसेबल बाई द प्रोग्राम प्रोग्राम और विच इज विच इज अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड मास्केबल क्लियर क्लियर अब मास्केबल विच इज नॉट अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल मीन्स कि जिसको हम इनेबल या डिसेबल अपनी चॉइस से नहीं कर सकते अगर वो इंटरप्ट एक बार एक्टिव हो गया इनेबल हो गया तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ही वो डिसेबल होगा हम उसे बीच में डिसेबल नहीं कर सकते ठीक नाउ अब हमारे पास ये जो इंटरप्ट है इसमें कौन मास्केबल है कौन नॉन मास्केबल है तो ट्रैप इज नॉन मास्केबल रिमेनिंग ऑल इज मास्केबल

फॉलिंग एड्स और राइजिंग एड्स सेम वे अगर लेवल ट्रिगर्ड है तो आइर पॉजिटिव लेवल और निगेटिव लेवल पर वो ट्रिगर करेगी ठीक तो अभी हमें डायरेक्शन नहीं देखनी पॉजिटिव या निगेटिव अभी हमें देखना है कि विच इंटरप्ट इज लेवल ट्रिगर्ड एंड विच इंटरप्ट इज एडस्ट्रिगर्ड तो ट्रैप इज लेवल एंड एड ट्रिगर्ड बोथ ठीक है इसमें दोनों तरह की ट्रिगरिंग होती है नाउ अगर हम बात करें आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव की तो दिस इज एड ट्रिगर्ड ठीक है बाकी के जो रिमेनिंग है दे आर लेबल क्लियर है ठीक है नाउ अब हम प्रायोरिटी की बात करें प्रायोरिटी का मींस क्या है सपोज एक साथ आपके पास फाइव टू सिक्स वर्क हैं तो आप किसे पहले करोगे वो डिसाइड होगी बाय प्रायोरिटी ठीक है तो जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी दैट कैन बी एक्सेस बाय फर्स्टली मींस की अगर हम प्रोसेसर की बात करें और इंटरप्ट की बात करें तो विच इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी दैट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्टली ठीक है तो इन दिस केस ट्रैप हैज द दाइएस्ट हाइएस्ट मीन्स की फर्स्ट ठीक है देन आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फाइव्थ मीन्स की लीज प्रायोरिटी और मिनिमम प्रायोरिटी किसकी है आई एन टी आर रिक्वेस्ट की ठीक है इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इंटरप्ट स्ट्रक्चर थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट इन इंटरप्ट तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू